नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 19 और 20 पर चर्चा करेंगे। स घोषो धार्त्रास्त्राणाम हरध्यानि व्याद्रायत् न भैश्चय पृथ्वीं चै तमूलो भयानुनादयन्। इस श्लोक में महाभारत के युद्ध की शुरुआत का वर्णन है। युद्ध की तैयारी चल रही है। युद्ध को आरंभ करने के लिए दोनों पक्षों ने अपने शंख बजाए। शंखों के बजने की ध्वनि इतनी भयानक थी कि धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कि कौरवों का हृदय व्याकुल हो गया। इस ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को भी तेज आवाज से गूंजने लगे थे। इस शंखनाद ने युद्ध की शुरुआत का संकेत दिया और योद्धाओं का हौसला बढ़ाया। अतः व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज परवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुधुम। पांडव हर्षिकेश तदा वाक्यम इदमह महीपते। यह श्लोक महाभारत के युद्ध की शुरुआत का नजारा दिखाता है। इसका अर्थ है, अर्जुन जो कि पांडवों में से एक है, अपने रथ के ध्वज पर कपि अर्थात हनुमान का चिन्ह लगाए हुए है। जब उन्होंने देखा कि कौरवों की सेना पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है, तब उन्होंने अपने धनुष को उठाया। अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को दूसरी ओर खड़ा देख रहे थे। उनके मन में युद्ध के प्रति शंका हो रही थी। कई तरह के विचार भी उमड़ रहे थे और वे श्री कृष्ण से इस परिस्थिति पर कुछ कहना चाहते थे। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें अलग अलग कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हमारे मन में भय उत्पन्न हो सकता है, लेकिन हमें सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए और हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। धन्यवाद। राधे राधे।